हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करूँगा सब एकदम बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो आम आदमी के लिए बहुत ही काम की चीज़ है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों बीपीएल कार्ड के बारे में। भाई मेरे पास देखो बहुत सारी कमेंट आ रही थी, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई ये बताओ कि बीपीएल कार्ड कैसे बनता है। तो नहीं पता लोगों को, देखो किन लोगों का बीपीएल कार्ड बनता है, किन लोगों का नहीं बनता, बहुत तरह के लफड़े होते हैं दोस्तों इन्हों में। तो आज हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि भाई बीपीएल कार्ड बनवाया कैसे जाता है, किन लोगों का बीपीएल कार्ड बनता है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है नीचे लाल बटन वाले को, तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ये फ्री है। और सब्सक्राइबर के बगल में जो बेल का आइकन है घंटी वाला निशान, उसको भी दोस्तों जरूर प्रेस कर दे, जरूर दबा दे, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो डालूँ, मेरी अगली वीडियो डालूँ, सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बीपीएल कार्ड बनवाने के लिए आपके पास पहले से कोई राशन कार्ड होना चाहिए। भाई पहले से होता है नहीं ईपीएल वगैरह राशन कार्ड, कोई भी राशन कार्ड, तो दोस्तों ये राशन कार्ड उनके पास होना चाहिए पहले से ही, यानी कि भाई नागरिकता उनके पास होनी चाहिए कोई भी राशन कार्ड में। तो दोस्तों लेकिन बीपीएल कार्ड बनवाने के लिए देखो बहुत सारी शर्तें हैं, ये कुछ एक कैटेगरी वालों को ही दिया गया, सभी का बीपीएल कार्ड नहीं बनता। पहले बन जाता था बहुत सारे लोगों का, लेकिन दोस्तों आज के दिन देखो सिर्फ एक ही जो कैटेगरी रखी गई है वो है कि भाई जो होता है ना ग्रसित रोग, जो गंभीर बीमारियां होती है, गंभीर से भी गंभीर बीमारियां होती है ना, उन्हीं लोगों का बीपीएल कार्ड बनेगा। अब जैसे उन बीमारियों में मैं दो तीन बीमारियों का नाम तो मुझे पता है, वो उनका मैं नाम आपको बता देता हूँ। भाई जैसे एक तो होता है कुष्ठ रोग वगैरह, जैसे कि जिनका कुष्ठ रोग होता है, और कोई कैंसर पीड़ित व्यक्ति होता है, और एक होता है जैसे कोई एड्स एचआईवी पॉजिटिव होता है। जो दोस्तों इन बहुत सारी कैटेगरी होती है, इनमें भी बहुत सारी बीमारियाँ होती है। लेकिन मेरे पास क्या कमेंट आ रही थी लगातार कि सर ये बताओ कि भाई बीपीएल कार्ड बनता कैसे है। तो दोस्तों बस ये दो तीन बीमारियाँ, जो भी गंभीर बीमारियाँ होती है, कोई भी गंभीर बीमारी आप जानते होंगे गंभीर बीमारियाँ कौन कौन सी होती है, तो दोस्तों उन्हीं लोगों का बीपीएल कार्ड बनेगा और किसी का भी बीपीएल कार्ड नहीं बनेगा। अब बीपीएल कार्ड भाई कोई इन जो भी है इन बीमारी से पॉजिटिव है, अगर कोई पॉजिटिव है तो उनको बनवाने के लिए अब करना क्या है मैं आपको ये बताता हूँ। तो दोस्तों आपके जो नज़दीक में जो भी पंचायत वगैरह, ग्राम पंचायत या फिर नगर पालिका, नगर परिषद, तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपने डॉक्टर्स की रिपोर्ट दिखानी होगी। भाई आपका इलाज ऑलरेडी कहीं पर चल रहा होगा ना, उन डॉक्टर्स की रिपोर्ट को आपको वहाँ पर जमा करवाना होगा, और अपने पुराना राशन कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड वगैरह जो भी आपके संबंधित डॉक्यूमेंट है, उनकी डॉक्यूमेंट की दोस्तों सारी फोटोकॉपी आपको लगानी होगी, ओरिजिनल भी लेकर जाना होगा, और जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट होती है 10-20 पन्नों की जो भी रिपोर्ट्स है सबों को स्टेपलर करके आपको पंचायत या नगर पालिका में जमा करवाना होगा। अब दोस्तों वो उनकी जो टीम होती है डॉक्टर की टीम, भाई उनके पास भी तो कोई डॉक्टर की टीम होगी, तो दोस्तों वो पूरी रिपोर्ट्स को वेरीफाई करेंगे, और वेरीफाई जब आपकी पॉजिटिव जब रिपोर्ट हो जाएगी तो दोस्तों उसके तुरंत बाद ही आपका जो बीपीएल कार्ड की सूची होती है ना भाई, जो उनकी सूची बना के रखते हैं वो, तो उस सूची में आपका नाम दे दिया जाएगा, उस सूची में आपको नाम कर दिया जाएगा। अब वो आपको सूची दे देंगे, उस सूची या फिर उस पन्ने को लेकर आपको ई मित्र पर जाना होगा, और ई मित्र पर जाकर आपका तुरंत बीपीएल कार्ड बन जाएगा। अब भाई बीपीएल कार्ड उनको जो दवाइयाँ होती है ना फ्री दवाइयाँ, उस इसलिए दोस्तों उनको बीपीएल कार्ड बनाया जाता है कि भाई इनका जो इलाज होता है बहुत महंगा होता है इन बड़ी बीमारियों का, और लंबा कोर्स होता है, बहुत लंबे समय तक इनका कोर्स चलता है, इसलिए दोस्तों इनको ये फ्री इलाज के लिए बीपीएल कार्ड बनाया जाता है, और किसी भी व्यक्ति का बीपीएल कार्ड नहीं बनेगा। और बहुत सारे कार्ड होते हैं, हम तो बात कर रहे हैं बीपीएल कार्ड के बारे में, बीपीएल कार्ड दोस्तों इन्हीं लोगों का बनेगा और किसी का नहीं बनेगा। तो मेरे हिसाब से मेरे यूजर्स हैं जो सभी को समझ में आ गया होगा कि भाई बीपीएल कार्ड किन लोगों का बनता है। और दोस्तों लास्ट में आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि भाई ये जो भी डॉक्यूमेंट आप नगर पालिका पंचायत विभाग में जमा करवाओगे, और दोस्तों आपको कंप्लीट जानकारी के लिए वहाँ पर जाना ही होगा, पंचायत विभाग या नगर पालिका में आपको जाना होगा, पूरी जानकारी आपको वहीं पर मिलेगी, और जो भी फैसला होगा अंतिम फैसला उसी विभाग का होगा, तब जाके आपका बीपीएल कार्ड घोषित कर दिया जाएगा। ये वीडियो बस आपको एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन देने के लिए बनाई गई है कि भाई ये स्टेप्स होते हैं, अंतिम फैसला दोस्तों उन्हीं का होगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और अपने सभी संबंधित रिश्तेदारों और फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर करना ना भूले, और मेरे नए मामले से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके दोस्तों, धन्यवाद, जय भारत।